नमस्कार, मी नेहा शंखळाच्या सला डॉक्टर या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वांचे स्वागत करतो. पुन्हा आलो आहे आपण एक नवीन विषय घेऊन. जसं आपल्या सर्वांना माहिती आहे की मध्यंतरी जे स्किन डिझीज आहे ते मोठ्या प्रमाणात त्वचा रोग हे वाढतच आहे. मग ते टीनेजर असो की कोणताही व्यक्ती असो, आपल्याला स्किनचे प्रकार हे वेगवेगळ्या टाईपचे उद्भवताना आपल्याला सहजरित्या पाहायला मिळतात. तर आयुर्वेदमध्ये त्वचा रोग हा कशा पद्धतीने बरा होऊ शकतो, आज आपण याबद्दल संपूर्ण माहिती डॉक्टर अतुल तेलरांदे जे आज आपल्यासोबत उपस्थित आहे त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. नमस्कार सर, शंखणाच्या सल्ला डॉक्टर या विशेष कार्यक्रमात आपण सर्वांचे स्वागत करते. जसं आत्ताच नुकतंच आपण म्हटलं, तुम्ही आयुर्वेदमध्ये MD आहात, तज्ज्ञ म्हणून तुम्ही आयुर्वेदमध्ये काम करत आहे. चर्चेला सुरुवात करूया सर आपण. मेरा पहला सवाल ये है सर कि जैसे हम सबको पता है कि स्किन डिजीज मतलब त्वचा रोग ये बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ रहे हैं, चाहे वो टीनेजर हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, तो इसका मुख्य कारण क्या है? जी देखिए, त्वचा विकार यानी स्किन से रिलेटेड जो भी आपके विकार हो, चाहे उसमें खुजली हो, चाहे उसमें फिर इरिटेशन हो, बर्निंग सेंसेशन हो, या त्वचा का कलर बिगड़ जाए, या उसके ऊपर फुंसी आ जाए, या फिर जैसे उसका जो कंसिस्टेंसी है वो बिगड़ जाए, इसे हम त्वचा विकार कहते हैं. जहाँ पे भी आपको त्वचा में अनइजीनेस फील होता है या त्वचा आपको नॉर्मल फील नहीं होती है, उसे हम त्वचा विकार कहते हैं, स्किन डिसीज कहते हैं. अभी आप ये बोल रहे हो कि आपका क्वेश्चन ये है कि त्वचा विकार आजकल ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके क्या कारण? देखिए, कारण त्वचा विकार के सिंपल एंड सोबर है, पहले से वही है. खाना पीना, खान पान या रहन सहन, या फिर उसको आहार विहार बोलेंगे, अगर मिथ्या आहार विहार हो जाए, जिसके कारण मिथ्या का मतलब होता है अप्रकृत या विकृत आहार विहार, खाने का जो आजकल लाइफस्टाइल है इसके हिसाब से खाने का जो टाइमिंग है या खाने के जो नॉर्मल फूड स्टफ्स है, उन सब से ही जाके वो त्वचा विकार तैयार होते हैं. आपके पेट में हो जाएगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, वो फिर ब्लड के साथ घुलेगा, और वात पित्त कफ इन तीन दोषों के साथ जब रक्त में संपर्क आएगा, रक्त वात पित्त कफ इन तीन दोषों से जब दूषित हो जाएगा, तब जाके वो स्किन डिसीज तैयार करेगा. अब आजकल वो बढ़ने के कारण क्या है? लाइफस्टाइल, ठीक है. आपका जो क्लोथिंग्स है वो काफ़ी टाइट होते हैं, उसमें कंटिन्यूस लोग काम करते रहते हैं और उनको जो पसीना है वो सोख के रहता है, आते रहता है, फ्री एयर स्किन को नहीं मिल पाती है. इसके साथ साथ जो भी फूड स्टफ्स हम खाते हैं वो अगर प्रॉपरली डाइजेस्ट ना हो, टाइमली ना खाया जाए या विकृत तरीके से खाया जाए, तो वो दोषों को तैयार करते हैं और दोष जाके ब्लड में मिलके, ब्लड सीधा सीधा जो त्वचा से संपर्क में रहता है वो स्किन डिजीज के रूप में प्रेजेंटेशन देता है. मुख्य कारण क्या है जब हम रीजन बोलते हैं? अगर हम पहले के जमाने में अगर सोचा जाए तो जैसे इचिंग होती थी या फिर रैशेस होते थे, तब तो मेडिसिन ठीक है अवेलेबल थी, लेकिन जिस हद तक चाहिए थी उस हद तक वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, तो मिट्टी लगाते थे. मराठीत बोलायचं झालं तर आपण ज्याला चिकण माती म्हणतो, तर ते लावायचे. तो अभी वो रूल हम फॉलो कर सकते क्या? आप एज अ MD आयुर्वेद, आप हमारे दर्शकों को क्या सजेशन देना चाहोगे? डेफिनेटली देखिए, नेचुरोपैथी वो एक नेचुरोपैथी का तरीका है. नेचुरल वे से आप जो भी कॉस्मेटिक्स यूज करो, फिर मिट्टी लगाओ या फिर कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हर्ब्स होते हैं वो यूज करो, हल्दी होता है, चंदन होता है, बाकुची होता है, ये सारे नेचुरल हर्ब्स ही है. चिकन मिट्टी भी, उसमें चिकनी मिट्टी जो होती है वो भी हर्ब ही है, एक प्रकार से आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथिक मेडिसिन है, उनका यूज भी हो सकता है. पहले के ज़माने में सोप नहीं हुआ करता था, फिटकरी या फिर वो मिट्टी से ही लोग नहाते थे, मिट्टी लगा के ही उसमें पानी डाल के लोग नहाते थे, तो जो जिसके कारण से स्किन क्लीन हो जाती थी. क्लिंसिंग ये जो है वो मिट्टी का एक खास प्रॉपर्टी, जिसके कारण आप स्किन को क्लिंसिंग कर सकते हैं. बट ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन हो गए. इंटरनल जब हम कॉज की बात करते हैं, तो जो मैंने अभी डिस्कस किया कि इम्प्रॉपर डाइजेशन विल फॉर्म आम, आयुर्वेद में जिसको आम बोलते हैं, या फिर दूषित जो अन्न रस है वो जाके ब्लड के साथ घुलेगा, वातादि दोषों को तैयार करेगा, और ये जाके सीधा स्किन के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा, तो उसे स्किन डिजीज कहते हैं. दूसरी बात, लोगों की जो इंटरनल इम्यूनिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ द स्किन, त्वचा की जो कंसिस्टेंसी या त्वचा की इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं, वो कम हो चुकी है. जब इसके लिए कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खान पान के जो मैंने अभी भी तरीके बताए या फिर लाइफस्टाइल जो बताया वो, इनके कारण से क्या होता है, जो आपकी इम्यूनिटी तैयार होनी चाहिए, त्वचा की जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए धूप सहन करने की या फिर छाव सहन करने की,
या फिर पसीना सोखने की या पसीना सहन करने की, जिसके कारण फंगस ग्रो होना शुरू हो जाता है, अलग अलग प्रकार के माइक्रोब स्किन के ऊपर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण से रिंगवर्म जैसी चीज़ें आजकल पेशेंट दिखते हैं हमको क्लिनिक में दिखते हैं, कंसिस्टेंटली उनको ग्रोइन रीजन में या फिर एक्सिलरी रीजन में या कहीं पर भी रिंगवर्म यानी वो फंगल इन्फेक्शन होता है, yes. जिसको हम गचकरण या फिर दांत कहते हैं, वो कंसिस्टेंट बहुत लंबे समय से एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, एंटी फंगल ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके बावजूद वो दब जाता है, वापस आ जाता है, ऐसा दिखने में है। पहले ये सब इतना नहीं होता था, क्योंकि लोगों का जो क्लोथिंग्स होता था वो एयर, एक्चुअली एयर कंडीशनर काइंड का क्लोथिंग तब हुआ करता था, और सीजनल क्लोथिंग होता था। आजकल कैसा है, टाइट क्लोथिंग, जीन्स पहनेंगे, टाइट क्लोथिंग रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीजन, सूट्स पहनेंगे, जैसे अभी हम लोग सूट पहन के बैठे, ठीक है हम सूट पहन के बैठे, यहाँ पर एसी चल रहा है इसलिए ओके, लेकिन अगर हम इस काइंड के क्लोथिंग्स हीट में पहनते और कंसिस्टेंट 7-8 घंटे पहनते अपने वो थ्रू आउट वर्क पूरा जो अपना पूरा टाइम है वर्किंग का, तो क्या होगा, पसीना सोखते जाएगा एंड दैट विल गिव राइज टू द फंगस। ओके, अगर आपकी फिर भी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको फंगस ग्रो नहीं होगा। सबको देखिए, सबको नहीं होता है, उसको ही होता है जिसकी इम्यूनिटी इंटरनल इम्यूनिटी स्किन से रिलेटेड वो कम हो जाती है, वो फंगस को रेजिस्ट नहीं करवाती उसकी स्किन, ये आयुर्वेद में उसका एक कारण माना गया है। तो दैट इज द मेन कॉज, बेसिक कॉज यही है, लाइफस्टाइल, खान पान का जो ये चीज़ है, खान पान के जो तरीके, विरुद्धान्न सेवन होते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अध्यक्षण, अत्यशन, विषमाशन, अध्यक्षण यानी खाने के ऊपर खाना, अत्यशन यानी लिमिट के ऊपर खाना, विषमाशन यानी विरुद्ध अन्न खाना, अनशन यानी खाना ही नहीं खाना बहुत लंबे समय तक, कभी खाया कभी नहीं खाया, कभी एक टाइम खाया कभी दो टाइम खाया, तो इरेगुलर पैटर्न ऑफ डाइट, ये भी उसका एक बहुत बड़ा कॉज। अगर हम एक एग्जांपल ले डॉक्टर, तो जैसे बाल्य अवस्था में जैसे ही शिशु की बर्थ होती है उसको इचिंग का प्रॉब्लम होता है, अब ना उसका खान पान का कोई कंसल्ट है, ना उसका लाइफस्टाइल का कोई कंसल्ट है, ना उसका क्लोथिंग का कोई कंसल्ट है, क्योंकि वो जस्ट बॉर्न बेबी रहता, तो उनको भी कहीं ना कहीं इचिंग, रैशेस, इसका प्रॉब्लम होता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? छोटे बच्चों में रैशेस कॉमनली होती है, ठीक है, तो रैशेस क्योंकि वो बच्चा जस्ट अभी न्यू बॉर्न है तो स्किन अपने एक्सटर्नल एटमोस्फेयर से कोप अप कर रहा होता है, उस दरमियान अगर जैसे नैपी रैशेस होते हैं, नैपी पहनाए जाते बच्चों को, या बार बार वो यूरिन करता है या पॉटी करता है, तो अगर क्लीनलीनेस मेंटेन ना किया जाए तो रैशेस होने के चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा बाकी की जो स्किन है उसको ऑयल मसाज वगैरह की जाती है, या फिर कोई कॉस्मेटिक यूज़ किया जाता है, या सोप यूज़ किया जाता है क्लिनजिंग के लिए, उसको नहलाया जाता है, उस दरमियान इन सब चीज़ों से अगर उसकी स्किन कोप अप नहीं कर पाई तो उसको रैशेस आने की संभावना है। अब वो बच्चा छोटा है, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती नहीं है, भले ही वो खान पान की बात नहीं, उसकी इंटरनल इम्यूनिटी, एक्सटर्नली जो आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो वो अभी ग्रो हो रहा है, तो त्वचा उसकी नाजुक होती है शिशु की, इसलिए इन सब चीज़ों से उसको प्रॉब्लम डेफिनेट होती है, रैशेस उसको डेफिनेट आती है, ये उसका कारण है। जैसे हम सबको पता है कि हम जिस लाइफस्टाइल में अभी मतलब सर्वाइव कर रहे हैं, लोगों को दिखना इम्पोर्टेंट है, हम कैसे दिखते हैं, हमारा नेचर कैसा है या फिर बाकी के डजंट मैटर, लेकिन हम कैसे दिखते हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट जेंट्स हो, लेडीज हो, एनी अदर, वो यूज करते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है, चाहे वो फिर हमको सूट हो या ना हो, तो उसका देन उसके बाद जैसे स्किन इचिंग होना, रैशेस होना, पिंपल्स होना, तो इसका आयुर्वेद में किस तरह से बताया है, इफ अगर हम यूज करते हैं या फिर हमको पिंपल्स, इचिंग, इस तरह की अगर कोई बीमारियां होती है तो? देखिए कॉस्मेटिक यूज ये एकदम पुराने जमाने से, यानी रामायण महाभारत के जमाने से भी आप अगर आप देखते हो तो कॉस्मेटिक्स आर यूज्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर। और अब ये फर्क है कि पुराने जमाने में जो कॉस्मेटिक्स हुआ करते थे वो ज़्यादा हर्बल हुआ करते थे, तो नेचुरल हुआ करते थे, वो कॉस्मेटिक्स इनकी स्किन को अच्छा करते थे, ज़्यादा उसका ग्लो बनता था और स्किन की जो लॉन्जिट्यूटी है वो ज़्यादा अच्छी मेंटेन होती। ज़माने के साथ आपके केमिकल कॉस्मेटिक्स आना शुरू हुए, अभी कॉस्मेटिक्स जो यूज़ होते हैं ज़्यादातर केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल कॉस्मेटिक क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली उस स्किन को हर्ट ही करेंगे, और कॉस्मेटिक्स का यूज़ तो मस्त है, प्रेजेंटेबल होना ज़रूरी है सबके लिए, खासकर जैसे एक्टर्स है या फिर आप जैसे लोग हैं जो हमेशा कैमरा फेस करते हैं, उनको प्रेजेंटेबल रहना ही पड़ता है, तो कॉस्मेटिक्स आप लोगों को तो यूज़ करनी ही है, हर्बल कॉस्मेटिक्स आर बेटर देन केमिकल कॉस्मेटिक्स, हर्बल प्रेफर करेंगे तो बेटर रहेगा। उसके साथ साथ
अगर आपकी स्किन की इम्यूनिटी अच्छी बना के रखोगे तो आप कॉस्मेटिक्स को कोप अप कर पाओगे, आपको तो करना ही है नहीं आओ। लेकिन कुछ कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव हो जाती है, तो कॉस्मेटिक्स को एडॉप्ट नहीं कर पाती, देन दे गेट दैट रैशेस, पिंपल्स एंड ऑल दैट ड्यू टू कॉस्मेटिक्स। इसके अलावा अभी न्यू बॉर्न तो हो गया, अभी हम एडोलेसेंट एज या यंग एज की बात करते हैं, जब हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आते हैं तो दोष वातादी दोष ज्यादा तैयार होकर खून के साथ घुल के फिर पिंपल्स जैसी चीजें आ जाती है, जैसे तारुण्य पिट्टिका भी कहा जाता है, युवान पिट्टिका ऐसा कहा जाता है हिंदी में, यानी तरुण लोगों को होने वाली पिंपल्स या फिर खुंसी या फोड़े, उसे तारुण्य पिट्टिका कहा जाता है, जो फेस के ऊपर, चेस्ट के ऊपर या बैक के ऊपर ज्यादातर पाई जाती है। उनका कारण कफ मारुत रक्त जाए, ऐसा एक्सप्रेशन उसका है, यानी कफ और वात ये दोष जब रक्त के साथ घुल जाते हैं तब ये होता है। मॉडर्न टर्म्स में इसको हार्मोनल चेंजेस भी कहते हैं। सो ये बहुत सारे लोगों में देखे जाते हैं, उस दरमियान ये नेचुरल है, इसलिए उसको तारुण्य पिट्टिका कहा गया। उनको भी ट्रीट किया जा सकता है, देयर आर नंबर ऑफ मेडिसिन दैट क्लींजेस द ब्लड, ब्लड प्यूरिफायर मेडिसिन है जो इनको सेटल कर सकती है। इसके इसको ट्रिगर करने वाली चीज क्या है, यंग एज में लोग फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, जंक फूड जैसे ज्यादा खाते हैं, अभी तो एकदम मॉडर्न लाइफस्टाइल में पिज्जा बर्गर पेस्ट्रीज एंड वो कुकीज एंड ऑल दैट, ये सारी प्रिजर्वेटिव्स पड़ी हुई चीज़ें हैं। आपको हमेशा खाना फ्रेश खाना चाहिए, ये चीज़ें हम टेस्ट चेंज के लिए एक आध बार खाएं, लेकिन अगर ये आपका रेगुलर डाइट बन जाता है ना, तो देन दैट ट्रिगर्स योर ब्लड इम्प्योरिटीज बढ़ जाती है, एंड देन ये चीज़ें स्किन डिसीजेस, चाहे उसमें फिर पिंपल्स है, एक्नी है, मेलास्मा यानी ब्लैक स्पॉट्स है, ब्लैक हेड्स है, आँखों के नीचे ब्लैक हेड्स है, ये सारी चीजें भी उसमें आ जाती है। तो बेसिक कॉज मैंने आपको बताया खान पान ठीक है। सेकेंडली आप आपकी इम्यूनिटी को उठो तो फिर आप जो भी खाओ पच जाएगा, लेकिन आपको अगर सच में आपकी स्किन की परवाह है तो खाने पीने पे ध्यान दे, एक्सरसाइज और अपना इम्यूनिटी पे ध्यान दे, और कॉस्मेटिक्स हर्बल यूज करें, देन देर विल बी नो इश्यू विद योर स्किन। आपकी स्किन लंबे समय तक अच्छी रहेगी, उसकी इलास्टिसिटी अच्छी रहेगी, जो झुर्रियां पड़ जाती है अर्ली एज में वो भी नहीं पड़ेगी, और ग्लो करेगी, स्किन में एक अलग ही चमक आएगी, और दैट विल गिव ऐड मोर कॉन्फिडेंस टू योर पर्सनालिटी। जैसे प्लास्टिक सर्जरी हम सब ने नाम सुना है, एक अभी तो कॉमन हो चुका है ये, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको खुद का फेस नहीं देखना था, हम बोर हो जाते हैं, तो लोग जैसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी का हमने देखा है, तो सच में आयुर्वेद में इसका मतलब वर्णन किया है क्या कि सच में किसी ने प्लास्टिक सर्जरी करनी चाहिए, ऐसे आपको लगता है? प्लास्टिक सर्जरी हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम आयुर्वेद इटसेल्फ। आपको पता होना चाहिए कि द फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुताचार्य, सुश्रुत नाम के एक आचार्य थे जिनको फादर ऑफ सर्जरी मॉडर्न सर्जरी वाले भी मानते हैं, वो आयुर्वेदिक सर्जन थे उस समय। तो कॉस्मेटिक सर्जरी तभी से, जब जंग या फिर वॉर्स में, युद्ध में नाक वगैरह कट जाते थे या फिर स्कार पड़ जाते थे, तो नाक, कटी हुई नाक को स्टिच करने वाला पहला सर्जन सुश्रुत है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी हैज बीन डेफिनेटली एक्सप्लेन इन आयुर्वेद। किसी के पैर कट जाते थे, उसको जयपुर फुट अभी जो फेमस है, वो प्लास्टिक या फिर लोहे के फुट लगाने के एविडेंसेस भी आयुर्वेदा में उपलब्ध है। तो कॉस्मेटिक सर्जरी डेफिनेटली देर वॉज देर इन द आयुर्वेदा, हालांकि अभी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, अभी जैसे एक्टर्स लोग जो करते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी, खासकर ट्राइकोलॉजी में बालों को प्लांट करना, ट्रांसप्लांट ऑफ हेयर, इसके अलावा ब्लैक हेड्स अगर कुछ है या स्किन कहीं पे झुर्रियाँ पड़ चुकी है तो फैट डिपॉजिट हो गया तो उसको इरेज करके वहाँ पे लेजर या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ जो कॉस्मेटिक सर्जरी आज आई है, तो वो मॉडर्न टेक्निक्स में अभी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। बट आयुर्वेद के समय भी में भी उस समय की जो फैसिलिटीज अवेलेबल थी उसके हिसाब से कॉस्मेटिक सर्जरी वॉज डेफिनेटली एक्सप्लेन इन आयुर्वेदा, एंड इट इज एविडेंट, अभी भी उसके एविडेंसेस मिलते हैं। जैसे हम जब भी हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो उसमें आयुर्वेद आया तो मतलब पंचकर्मा हम जी. बात करते हैं, तो इफ हमें अगर स्किन डिजीज होती है, पिंपल्स होते हैं, रैशेस होते हैं, एनी अदर, तो पंचकर्मा किस तरह से इस पे काम करता है? डेफिनेटली देखिए, पंचकर्मा में पांच कर्म यानी 5 procedures yes. और सीजनल भी है, सीजन के हिसाब से भी उनको टू मेंटेन गुड हेल्थ, नॉट ओनली द स्किन हेल्थ बट इंटरनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी किया जाता है। वमन जैसे वसंत ऋतु में किया जाता है, उसके बाद वर्षा ऋतु में बस्ती दी जाती है, फिर आपका विरेचन शरद ऋतु में किया जाता है, क्योंकि इन समय में बस्ती होती है वात के लिए जो वर्षा ऋतु में बढ़ जाता है, शरद ऋतु में पित्त बढ़ जाता है, और कफ दोष वसंत ऋतु में बढ़ जाता है, तब कफ के लिए वमन और पित्त के लिए विरेचन, और रक्तमोशन रक्त दुष्टि के लिए, यानी
ये पांचों ये चारों चीजें चारों प्रोसीजर, बस उसके बाद शिरोधारा वगैरह आता है जो कि पंचकर्म का पांचवा कर्म माना जाता है, साथ में स्नेह संवेदन पूर्व कर्म यानी प्री ऑपरेटिव में उसमें किया जाता है। तो अगर आप सीजन वाइज भी इनको करते हैं तो आपके शरीर के अंदर की जो दोष है, एक्सेसिव जो डिपॉजिट हो चुके हैं एक्युमुलेटेड दोषास, वो निकल जाएंगे। तो डेफिनेट आप वमन करो ना, जिसको पिंपल्स है, हमने हमेशा हमेशा करते हैं ये सारी चीजें, इनको क्रॉनिक पिंपल्स है बहुत सारों से, उनको वमन करो, फटाक से उनके पिंपल्स कम हो जाते हैं। हाँ, उसको बाद में सारी चीजें मेंटेन करनी चाहिए, नहीं तो वापस वही खान पान कर लेगा, वापस तैयार हो जाएंगे। तो अगर कंसिस्टेंटली पंचकर्म किए जाते, स्किन के लिए पंचकर्म करना बहुत बेस्ट, और उसके रिजल्ट तुरंत मिलते आपको। जो भी स्किन डिसीजेस है, पिंपल्स खासकर, या फिर आपके फिर वांग यानी वो मेलास्मा हो, या फिर जैसे विटिलिगो हो, या फिर आपका सोरियासिस हो, इन डिसऑर्डर्स में मेडिसिन से जितना रिजल्ट मिलता है उसे फास्टर पंचकर्म से भी मिलता है। हम हमारे क्लिनिक में जनरली मेडिसिन पर ज़्यादा भर देते हैं, मेडिसिन से भी हम लोग पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं। और उन मेडिसिन आधा मेडिसिन क्या है, निदान परिवर्तन, जिन कारणों से आपको डिजीज हो रहे उन कारणों को ही इरेडिकेट कर दो, हटा दो उनको, तो आधा ट्रीटमेंट हो गया, यानी वापस दोष तैयार नहीं होंगे। जो बने हैं उनको मेडिसिन से शमन कर देते, शमन चिकित्सा, जहाँ पे शमन चिकित्सा कम पड़ जाती है वहाँ पे हम पंचकर्म कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपका क्वेश्चन है कि रूटीन तौर पे भी पंचकर्म कर सकते हैं टू बी फिट, और उसमें स्किन बहुत ही अच्छी ग्रो हो जाती है। जैसे आपने अभी कहा है कि पंचकर्मा करने से स्किन ग्लो करती है, लेकिन अगर हम कॉस्मेटिक की बात करें, इफ अगर हम पंचकर्मा करते हैं और रादर देन हम फिर से अगर कॉस्मेटिक यूज करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हो सकता है। देखो, पंचकर्मा करने से क्या होगा, बॉडी क्लीन हो जाएगी, स्किन के ऊपर ग्लो आ जाएगा। अब आप कॉस्मेटिक कौन सी यूज करते हैं डिपेंड, अगर आपकी बॉडी को कॉस्मेटिक सूट होते तो आप उस लेवल पे कॉस्मेटिक यूज कर सकते हैं। कुछ हर्बल कॉस्मेटिक्स ऐसे हैं जिनको यूज करने से स्किन अच्छी ग्लो होती है, हम लोग कुछ मेडिसिन भी देते हैं। हमारे पास जैसे अभी अबाउट टू मैरी वाले गर्ल्स भी आती है, फिर जेंट्स भी आते हैं जिनके अभी एंगेजमेंट या मैरिज, तो जनरली फोटोजेनिक फेस होने के लिए, स्किन ग्लो करने के लिए हमारे पास आते हैं, एंड वी प्रोवाइड देम विथ सम मेडिसिन, वो सारी चीज़ें तो हम बताती हैं। उसके साथ हम लोग कुछ कॉस्मेटिक लगाने के लिए भी देते हैं, कुछ फेस पैक्स होते हैं आयुर्वेदिक, या घरगुती कुछ जैसे मसूर की डाल वगैरह होगी उसके हम, या फिर गुलाब जल ऐसे मिक्सचर्स बना के उनको पेस्ट करके चेहरे पर लगाने के लिए देते हैं। कुछ रेडीमेड आयुर्वेदिक क्रीम्स भी आती है, कॉस्मेटिक्स आती है, फेस पैक बताया मैंने आपको, फेस वॉश भी आता है। ये जो चीज़ें आप केमिकल की यूज़ कर रहे हैं वो सब हर्बल में भी आती है, तो उसके साइड इफेक्ट नहीं होते और स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे स्किन डिजीज में एक मिलिया जो बहुत टफ माना जाता है, मतलब एक अंदरूनी रहता है स्किन के ऊपर, तो उसका मेन रीजन क्या है, मिलिया पिंपल्स का जो एक प्रकार है मिलिया, तो उसका मेन रीजन क्या है होने का। देखिए, मैंने जैसे अभी हमें आयुर्वेद के टर्म्स में अगर बात करते हैं तो सीधा सिंपल उसका पैथोजेनेसिस है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ब्लड इज इम्प्योर बाय दोषास। अब पिंपल्स या मिलिया की बात अगर करोगे तो कफ मारुत रक्त जा, वात और कफ दोष रक्त के साथ घुलने के बाद अगर उसमें पित्त दोष का एडिशन भी हो जाता है तो इस काइंड के पिंपल्स तैयार होते हैं। अब ये तो पैथोफिजियोलॉजी होगी। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो क्लिंजिंग ऑफ ब्लड, ब्लड प्योरीफाइंग मेडिसिन, फिर हमारे पास बहुत सारे सीरप्स हैं जो मल्टीपल आयुर्वेदिक हर्ब्स से मिक्स्ड, जैसे स्किन क्लिंजर करके हमारा एक सीरप, उसी के नाम से कैप्सूल है, स्किन क्लिंजर नाम से कैप्सूल है, नीम क्यूरा रस से आता है जो नीम से बना है, नीम के अलावा बाकी उसमें कॉस्मेटिक्स भी हर्बल मेडिसिन भी पड़ी हुई है। उसके अलावा शोधक सीरप आता है, शोधक कैप्सूल आती है। उसके अलावा अगर आप मोती पिष्टी डाल के किसी को अपना दाढ़ी अवले जो आता है ना, दाढ़ी का जूस से जो एक सिरप बनता है उसमें मोती पिष्टी डाल के अगर किसी को पिलाते तो वो स्किन के ऊपर इतना सही इफेक्ट करता है, आपकी स्किन एकदम ग्लो करना शुरू हो जाती है, फोटोजेनिक हो जाती है। तो पिंपल्स जैसी चीज़ों के लिए ये मेडिसिन बेस्ट है जो कि स्किन को अपने ब्लड को क्लींस करके स्किन के अंदर डिपॉजिटेड दोषास को निकाल के पिंपल्स को पूरी तरह सुखा देता है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए भी मेडिसिन आती है, जैसे इच क्योर, इच सिक्योर, या फिर डर्म क्योर जैसे क्रीम्स आती है, टी एंटोजा निखार जैसे एक ऑयल आता है वो लगाओ तो भी उससे फायदा होता है, पिगमेंटेशन जेल्स आती है, ये सारी चीज़ें हर्बल मेडिसिन है एंड दे कैन बी अप्लाइड ओरल, आप इंटरनल मेडिसिन ओरल मेडिसिन भी ले सकते हैं, एंड सारी चीज़ें जो मैंने आपको परहेज बताया, डूज एंड डोंट्स, पत्ते पत्ते इनको अगर फॉलो करो तो आपका वो जो आप मिलिया की बात करें या फिर पिंपल्स की बात करें, सारी चीज़ें डेफिनेटली इरेडिकेट हो जाती है। डिपेंड्स ऑन कि वो
कितना पुराना है, कितने समय से उसके बॉडी में डिपॉजिटेड दोष है, वो बॉडी उसकी रिस्पॉन्ड करने में कितना समय लगी, ये अपने को एक पहले हफ्ते या दो हफ्तों में पता ही चल जाता है कि अपने को कितने समय में रिजल्ट मिलेगा। जैसे हम सबको पता है कि नंबर ऑफ पैथीज है, वो चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, नेचुरोपैथी हो, तो अदर देन नेचुरोपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा ये किस तरह से लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा है स्किन में? जी, आयुर्वेदा की बात अगर हम करते हैं तो जैसे हमने अभी अभी बात की कि क्लींजिंग ऑफ ब्लड, क्लींजिंग ऑफ बॉडी, तो हम अगर हम हमारे पास पेशेंट स्किन लेके आते हैं तो आयुर्वेद की अगर बात की जाए तो स्किन ये रस धातु से पोषित होती है। ओके, स्किन अगर आपकी क्लीन है, एब्सोल्युटली क्लियर है, तो ग्लोइंग है, तो समझ लेना आपका रस धातु अच्छा बन रहा है। अब रस धातु यानी क्या है, ब्लड के अंदर जो घुला हुआ न्यूट्रिशन है उसे हम रस धातु कहते हैं। अगर रस धातु सही बना है, स्किन ग्लिटरिंग है, ग्लोइंग है, तो समझ लेना उसको बाकी ऑर्गेन्स को सप्लाई अच्छा मिल रहा है। तो इसका मतलब समझ लेना कि जिनकी स्किन अच्छी है उनके इंटरनल ऑर्गेन्स भी अच्छे हैं। दूसरी बात, जब भी हम क्लींजिंग की बात करते हैं, ब्लड क्लींजिंग की बात करते हैं, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए हम जो मेडिसिन देती है वो केवल स्किन के ऊपर काम नहीं करेगी, तो उसके इंटरनल जो ऑर्गेन्स है उनकी भी क्लींजिंग करेगी, जो आपको दिखते भी नहीं, और जो संभव यानी प्रोबेबल डिसीजेज जो फ्यूचर में उसको हो सकते हैं एक्युमुलेशन ऑफ दोषेस के कारण, कैंसर से लेके सारी गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी से लेके जेईआरडी जैसे सारे डिसीजेज, इवन डिपोजिशन ऑफ क्लॉट्स इन द ब्लड से हार्ट अटैक और जो सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है, वो डिसीज भी प्रिवेंट हो जाते हैं। तो ये बेनिफिशियल बिकॉज आयुर्वेदा बिलीव्स इन क्लींजिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी को स्वच्छ करना, दोषों को शमन करना, इस पे बिलीव करता है। इसलिए हम जब हम स्किन की ट्रीटमेंट करेंगे ना तो बाकी संभाव्य दोष भी, संभाव्य डिजीज भी उसमें निकल जाएंगे, ये बेनिफिट है। मतलब आयुर्वेदा को हम एक रोल मॉडल या फिर हीरो भी कह सकते हैं हमारे वर्ड में बोलने के लिए हरकत नहीं। एक और चीज ऐड करूंगा कि नेचुरोपैथी इज नथिंग डिफरेंट देन आयुर्वेदा, विशुद्ध आयुर्वेद ही नेचुरोपैथी, तो नेचुरोपैथी आयुर्वेदा हैंड इन हैंड चलते, भले उन्होंने अभी सेपरेट कर दिया, बट नेचुरोपैथी हैज बीन ओरिजिनेटेड ओनली फ्रॉम आयुर्वेदा इटसेल्फ। तो दोनों ही पैथी बेटर ही है, और आयुर्वेदा तो एलेबोरेटेड साइंस है, वो तो पक्का साइंस है, एंड नेचुरोपैथी अलाइट साइंस के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। नेचुरोपैथी इज अ गुड साइंस बट इट इज नॉन डिफरेंट देन आयुर्वेदा, वो वही। जैसे ये तो बात हो गई, जैसे हम स्किन के बारे में, जो हमारा चेहरा है जो दिखना इंपॉर्टेंट है, जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, इसमें भी बहुत कभी कभी जैसे विंटर है या फिर समर सीजन है या फिर बारिश का सीजन है, उसमें भी इचिंग होती है या रैशेस होती है, ड्राइनेस आ जाती है। हाँ, ड्राइनेस आ जाती है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? डेफिनेटली अभी मैंने बताया आपको, स्किन के ऊपर सप्लाई करने वाला धातु कौन सा है? रस धातु। रस धातु क्या चीज है? प्रॉपर न्यूट्रिशन तैयार हो गया है आपके स्टमक में, आमाशय में, तो रस धातु का निर्माण होता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन तैयार हो गया है तो न्यूट्रिशन का सप्लाई जो है स्किन के ऊपर बेस्ट जाएगा। जहाँ पे भी यहाँ कमी नजर आएगी वहाँ पे भी स्किन के ऊपर ड्राइनेस दिखेगा, रैशेस दिखेगी, ईचिंग दिखेगा, अगर उसमें दोष मिल जाए तो स्किन डिसीज तैयार हो जाएगी। तो ये कारण हो गया यानी पैथोफिजियोलॉजी, उसके वो क्यों होता है आपके खान पान करके, आपकी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। विंटर में आपको तेल भी लगाने की जरूरत ना पड़े, ऐसे भी लोग आप देख सकते हो, क्योंकि आपके बॉडी ने सारी चीज़ें आपको दी है, मॉइस्टनिंग करना ड्राइनेस के समय, और ज्यादा ही जैसे समर सीजन है जब बहुत पसीना आता है तो भी उसको ड्रेन ऑफ करना, ये बॉडी ने ऑलरेडी अपने पास सारी चीजें बना के रखी है। आपका जो बॉडी ने होमियोस्टेसिस बना के रखा है, इनपुट से आउटपुट यानी जो भी इम्प्योरिटीज बॉडी में तैयार होती है सारी सारी निकालने के लिए बॉडी ने एक्सक्रीशन तैयार करके रखा है। तो नेचुरली देयर विल बी नो नीड ऑफ ऑयल, एप्लीकेशन ऑफ ऑयल ऑन द स्किन, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको स्किन में ड्राइनेस नजर आ रहा है तो समझ लीजिए रस धातु में कुछ गड़बड़, खान पान में कुछ गड़बड़। अब खासकर विंटर सीजन में ऑयल एप्लीकेशन ऑन द स्किन, जिसे हम स्नेहन करते हैं, मसाज या अभ्यंग भी कहा जाता है, ये ऑयल्स आपको लगानी चाहिए। आप नॉर्थ में जाइए, आप सरसों के ऑयल का बहुत ज्यादा यूज होता है, ये लोग नहाने से पहले कंपल्सरी ऑयल लगाते हैं। ये अभी की बात नहीं है, बहुत पुरानी है। तो अभ्यंग हो गया यानी शरीर में तेल लगाना, ये बहुत पुरानी परंपरा है, जिसके आपके स्किन का जो न्यूट्रिशन है, नरिशमेंट है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो ड्राइनेस से बचने के लिए आप अभ्यंग कीजिए, स्नेहन कीजिए, तो ये होगा नहीं आपको, यानी एडिशनल आपको बेनिफिट मिलेगा, इंटरनल के अलावा एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी आपको ध्यान में रखना। एक हमारे दर्शकों को, आप स्किन डिजीज ना हो किसी को भी, इसके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? बस
सिंपल संदेश है स्किन डिसीज के लिए। स्किन डिसीज होते हैं रस धातु की दृष्टि से। इसके साथ रस धातु दृष्टि के साथ रक्त धातु में अगर दोष मिल जाए, वात पित्त कफ, तो स्किन डिसीज होती है। ये होगी पैथोफिजियोलॉजी आयुर्वेद के साथ। अब ये क्यों होता है, मैंने अभी अभी हमने अभी डिस्कस किया है, आपके खान पान से, लाइफ स्टाइल से, आपके जो आप क्लोथिंग्स है उससे, आपके रूटीन से। तो अगर आपको आपकी स्किन अच्छी रखनी है तो आपको इनसे बचना है, यानी निदान परिवर्जन हो जाएगा, कॉजेटिव फैक्टर इरेडिकेट हो जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर आपको स्किन की ज़्यादा ही परवाह है तो आप हर्बल कॉस्मेटिक्स का यूज़ करें, स्नेहन स्वेदन, अभ्यंग और स्टीम भी लें बॉडी को। इसके साथ दूसरी बात, अगर आपको और स्किन अच्छी करनी है तो आप पंचकर्म करें, जिससे शोधन होगा। अगर आप पंचकर्म नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ स्किन और ब्लड क्लींसिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज़ करें, जिससे कि आपकी स्किन हमेशा ग्लिटरिंग एंड ग्लोइंग रहेगी। और जिन लोगों को प्रेजेंटेबल रहना है, खासकर जिनको नहीं भी रहना है, उनको भी, उनको स्किन का खास ख्याल रखना ही चाहिए, और इन तरीकों से आप स्किन का खास ख्याल रख सकते हैं। आज अपन सलाह डॉक्टरांच्या विशेष कार्यक्रमांतर्गत डॉक्टर अतुल तेलरांदेकरना जाणून घेतलाय की आयुर्वेद मध्ये इफ जर आपल्याला त्वचा रोग होत असेल तर त्याचं आयुर्वेद मध्ये कशा पद्धतीने निदान आपण करू शकतो। वेगवेगळ्या प्रकारचे सरांनी आपल्याला गायडन्स दिले आहे, मग ते पंचकर्म असो, वात पित्त दोष असो, हे झाल्यास त्याला आपण आयुर्वेद मध्ये कशा पद्धतीने त्याचं निराकरण करू शकतो, ही संपूर्ण माहिती आज आपण जाणून घेतली आहे। आजच्या कार्यक्रमात माझ्यासोबत एवढंच, पुन्हा पाहूया नवीन विषयासह। तोवर पाहत राहा शंखनाद न्यूज।